आज की वीडियो में बात करेंगे मोटरोला के S30 Pro के बारे में। ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन मौजूद है, प्राइस भी मौजूद है। कहाँ पर लॉन्च किया गया मैं बताऊंगा और इसकी लॉन्च डेट पाकिस्तान इंडिया में और प्राइस भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो कम्प्लीट वॉच कर लेनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। देखें लुक्स हमारे पास ऑफिशियल फोटोज आ चुकी है यहाँ पर, ये देखें रिलीज कर दिया गया है चाइनीज मार्केट में और मैं उसकी प्राइस भी बताऊंगा। लुक्स आप देख सकते हैं काफी स्टनिंग लुक है इसका, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त लुकिंग के साथ आ रहा है यहाँ पर। फ्रंट पर एक हमें जस्ट एक पंच होल मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे जस्ट एक कैमरा होल मिल जाएगा। बीच में बकाया बिल्कुल बेसलेस डिस्प्ले है और साइडों पर कर्व हमें डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम मजीद बात कर लें इसके बारे में। सबसे पहले बात करते चलें कुछ रिलीज डेट की। देखिए रिलीज कब हो रहा है, ये चाइना में रिलीज कर दिया गया, ठीक है ना, चाइना में रिलीज कर दिया गया ये 11th ऑफ अगस्त को, मीन्स के कल। और यहाँ पर चाइना में तो रिलीज कर दिया गया, पाकिस्तान में कब रिलीज हो रहा है, पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होते। और जो नॉन पीटीए चैनल के थ्रू भी आते हैं पाकिस्तान में, ग्रे चैनल के थ्रू, तो उसमें भी मेरे ख्याल से ये नवंबर से पहले अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो शॉपकीपर इम्पोर्टेड मोबाइल मंगाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी प्राइस क्या होने वाली पाकिस्तान में, जो नॉन पीटीए प्रूफ मोबाइल होते हैं उनकी क्या प्राइस होगी। देखें 75,000 के करीब करीब होगी, इससे ज़्यादा ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा ही प्राइस होगी पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन की कि इंडिया में कब रिलीज़ हो रहा है। देखिए मेरे ख्याल से इंडिया में सितंबर के मिड में और एंड में रिलीज़ हो जाना चाहिए। रेजर 3 भी, S30 Pro भी और साथ में X30 Pro भी, ये तीनों मॉडल्स। बट यहाँ पर एक इंडियन वेबसाइट ही क्लेम कर रही है कि अक्टूबर के एंड में रिलीज़ हो रहा है, लेट्स सी, ठीक है। और ये क्लेम कर रहे हैं कि 35,000 का मोबाइल आ रहा है, मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया बाहर की करेंसी तो डायरेक्ट आ रहा है कोई 27-28 हज़ार का, ठीक है ना, इंडिया में। तो लेस सी के कितने का आता है, जाहिर बात है उन्होंने टैक्सेस वगैरह डाल के प्राइस बनाई होगी, बट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर अभी चलते हैं इसकी कुछ ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो फाइनल रिलीज कर दिए गए हैं S30 Pro और X30 Pro और Razr 3, ये तीनों मोबाइल्स लॉन्च कर दिए गए और चाइना में दस्तयाब है यहाँ पर प्री ऑर्डर्स के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया, कल के दिन, आज 12 अगस्त है तो कल 11 अगस्त थी तो लॉन्च कर दिया गया। इट्स कम्स विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 ग्लास फ्रंट एंड बैक एंड इसका वेट होगा 172 ग्राम। और क्या वेट है इसमें, 144 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 6.55 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाएगा, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 81.8% एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन है FHD 402 इसका PPI है। और क्या यहाँ पर मिल जाएगा, बेस ऑन एंड्रॉइड 12 एंड स्नैपड्रैगन का 8888 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, 888+ 5G प्रोसेसर, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मेमोरी कार्ड स्लो नहीं मिलेगा, 8GB से लेके 12GB तक रैम जाएगी, 128GB से 512GB तक इंटरनल स्टोरेज जाएगी। इट्स बेस्ड ऑन UFS 3.1, ठीक है ना। और 50 MP का मेन सेंसर विद F1.8 अपर्चर एंड अल्ट्रा वाइड 13 MP का 2 MP का डेप्थ सेंसर डाला गया, 4K वीडियो बना लेगा। फ्रंट कैमरा 32 MP का मिल जाएगा, इसकी वीडियो मेंशन नहीं की गई बट मेरे ख्याल से ये भी 1080p बना लेगा। लाउड स्पीकर मौजूद है यहाँ पर, मेरे ख्याल से स्टीरियो स्पीकर मौजूद है मोबाइल के अंदर। और 3.5 mm जैक नहीं मिल रहा, कम्स विद ब्लूटूथ 5.2 एंड टाइप सी लिखा हुआ है यहाँ पर। फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक है। 4400 mAh की बैटरी मिल जाएगी, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी 68 वोल्ट की, 50% चार्ज हो जाएगा मोबाइल जस्ट 10 मिनट्स के अंदर। और प्राइस में पहले बता चुका हूँ, कलर है इसके ब्लैक एंड ब्लू। और यहाँ पर इस मोबाइल में कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी बात है जरा इधर नज़र डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा और मुझे इसके में सबसे ज़्यादा जो बुरी बात लगी वो डिस्प्ले साइज़ है। डिस्प्ले साइज 6.8 इंचज का होना चाहिए था। बिल्ड क्वालिटी बड़ी टॉप नॉच डाली गई है और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी डाली गई। प्रोसेसर भी मेरे ख्याल से इसमें ठीक ठाक ही डाला गया है, अच्छा प्रोसेसर है, बुरा नहीं है, ठीक है, एवरेज है अपनी प्राइस के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बात कर लेते हैं मजीद इसके बारे में। तो यहाँ पर देखें लुक्स तो बड़ा आउटस्टैंडिंग लुक के साथ आ रहा है और काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से प्राइसिंग की भी, मेरे अगर पाकिस्तान 75,000 का बिलफर्ज लॉन्च हो जाता ऑफिशियली तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छी लुक्स प्रोवाइड करेगा अपनी प्राइस के हिसाब से। माना कि सैमसंग के भी काफ़ी अच्छे मोबाइल अवेलेबल है बट इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी प्रीमियम आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें
एलुमिनियम फ्रेम मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फ्रंट एंड बैक मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी प्रीमियम फील प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर सारी चीजें बता चुका हूँ मैं वीडियो के अंदर। आई होप सो वीडियो में किसी चीज की कमी नहीं होगी, अगर किसी चीज की कमी हो तो आप मुझे सवाल करके पूछ ले, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड स्क्रीन में मेरी वीडियोज भी आ गई, चैनल भी आ गए, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियोज भी चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। मैं X30 Pro और Razer 2022, इनकी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, साथ में इसकी भी वीडियो है, ठीक है ना। तो सारी वीडियो आज ही अपलोड है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है ना। एंड स्क्रीन में मेरा चैनल आ गया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।